Dada. Thank you.
आपको मनाऊंगा यू कैन टेक इन नोट आफ्टर एंड देन ही विल बी आवर यू आर वेलकम टू द गैंग यू मस्ट थैंक यू अरे हाँ भाई भैया आइए अभी सर हमारी बारी सर 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 थैंक यू सर यहाँ पर फोटो है सर एक फोटो सर थोड़ा सा आइए ना सर हमको थोड़ा खुशी नहीं सर पीछे बहुत वाइड बहुत है कितने क्यूट है ना इधर लुक इधर This is a girl I met here who's really cute. Thank you. गणेश इधर सर सर आप सर 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 ये सेट डालोगे सेट सर सर इधर है ना की सर इधर अभी तो होली के दिन आ रहा है यहां पे गौर से देख रहा सर यहां पे सवाल ऐसे करना जिसके जवाब मैं दे सकता हूँ पहले तो अपने अंदाज में कुछ बताइए आप देंगे या आपके लिए देखिए मेरे यहाँ पे एक परम मित्र परम है जिन्होंने मुझे इनवाइट किया जो मैं कई सालों से उनको जानता हूँ मैं तो आया लेकिन वो नहीं आए ऐसे मैं विचार और बताइए बट ऑल द बेस्ट 6X जो मूवी बन रही है संदीप शुक्ला जी है सीके आर्ट के मैदान फिल्म इंटरनेशनल प्रेजेंट में इनको सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ कि जो भी काम करे वो बहुत सक्सेस है उसमें और आपकी हेब्रो भी लोगों को बहुत पसंद आ रही है हेब्रो 6 मार्च को होली के दिन मैंने रिलीज कर रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे वो तो बिरजू के गाना बोल चुका हूँ मैं बिरजू के गाना बोल चुका हूँ डीजे गाना नाच मेरी बुलबुल सब है क्या बोलू कुछ बोलना कुछ और सवाल है हाँ ये होली होली में इसलिए रिलीज कर रहा हूँ क्योंकि मेरी फिल्म बहुत कलरफुल है गाने बहुत अच्छे हैं और मुझे वीकेंड बहुत अच्छा मिलता है फ्राइडे सैटरडे संडे मिलता है और कोशिश यही कि फिल्म फैमिली वाले बच्चे वाले सब जाके देखें 6 मार्च अभी ये 3-4 दिन के बाद फ्राइडे आपके थिएटर में प्लीज जाके देखिएगा थैंक यू वेरी मच हाय बहुत डिफरेंट फीलिंग हो रही है बहुत एक्साइटेड हूँ मैं एक्चुअली चंद्रकांत सर को कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है 6 कहानियाँ हैं 4 राइटर्स है 4 डिफरेंट डायरेक्टर्स है बहुत सारा कास्ट एंड क्रीव है
तो मुझे लगता है कि ये फिल्म थोड़ी डिफरेंट होगी, इसको करने में भी मजा आएगा और देखने में भी मजा आएगा. तो आई थिंक आजकल इस वक्त ऑडियंस इतना एजुकेट हो चुका है कि हम जो अच्छी कहानियां हैं डिफरेंट स्टफ ऑडियंस को दिखा सके. तो मुझे तो लगता है कि ये फ्यूचर है. करने और देखने में मजा तो आएगा. आप इनमें क्या कुछ कर रहे हैं बिग बॉस के बाद? बिग बॉस के बाद मैं एक्चुअली मैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग स्टफ की तलाश में था. मैंने महाभारत किया और महाभारत में बहुत एक्साइटिंग काम था, उसके बाद बिग बॉस किया. तो मैं हमेशा जनता के सामने कुछ ना कुछ डिफरेंट, कुछ नया लाने की कोशिश करता हूँ.